ऐसे होते हैं जो अच्छे काम करते हैं तो उनके इर्द गिर्द वालों को भी पता नहीं चलता। कुछ ऐसे ही है पवन सिंह। पवन सिंह के घर आज उनका एक फैन पहुंचा। फैन भी स्पेशल था, इसलिए भाई स्पेशल ट्रीटमेंट पवन सिंह की तरफ से उसे दी गई। जी हाँ, उनका ये जो फैन था वो ना ठीक से बोल पा रहा था और ना ही ठीक से चल पा रहा था। पवन सिंह ने उसे अपने पास आया और फिर उसे अपने हाथों से मिठाई खिलाई, उसका हाल समाचार पूछा और क्या परेशानी जीवन में है ये पूछा। पूछने पर पता चला कि फैंस तो सिर्फ उनका दीदार करना चाहता था। उनका बहुत बड़ा और जिगरा वाला फैन था, इसलिए पवन से उसने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहा। इस बार सफलता इसलिए लगी कि पवन सिंह की नज़र उस पर पड़ गई। खैर, हम आपको ये बता दें कि जैसे ही ये फैन पवन सिंह के घर पहुंचा और पवन सिंह खुशकिस्मती से घर पर थे, पवन सिंह को जैसे ही पता चला कि उनका एक बहुत बड़ा और स्पेशल फैन उनसे मिलने आया है, तो पवन ने तुरंत उसे ग्रीट किया, उसके साथ सेल्फी ली, उसे मिठाई खिलाई, साथ ही साथ उनकी जो प्रॉब्लम है उसे भी सुनी कि किस तरह से उनके चलने की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ पवन सिंह की माँ ने पवन सिंह के इस स्पेशल फैन को अपना आशीर्वाद दिया और कुछ पैसे भी दिए। पवन से मिलने के बाद ये फैन फूला नहीं समा रहा था। ये कहा जा रहा है कि वो तो पवन को देख बस आंखों में उसे आंसू आ जा रहे थे। वैसे भी भाई, अपने सुपरस्टार से मिलने के बाद किसे ऐसा फील नहीं होगा, और पवन सिंह जैसे सुपरस्टार से मिलने के बाद तो होगा ही होगा। पवन सिंह एक ऐसे सुपरस्टार हैं, जब उनके सेट पर बच्चे भी आ जाते हैं तो वो उससे बगैर मिले नहीं रह पाते। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।